वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है ठीक होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बस यहाँ से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं टमाटरों के पौधों को देख के कि इटली में पड़ी है जी बहुत ज़्यादा गर्मी अच्छा इनको मैं पानी वगैरह तो देती ही रही हूँ लेकिन गर्मी इतनी पड़ी है कि ये जो है बहुत ज़्यादा मर जा चुके हैं और अब मुझे इनको गमलों से निकालना था ना पौधों को तो मैंने सोचा ये टमाटर भी अब उतार लेती हूँ अच्छा ग्रीन वाले तो मैंने नहीं उतारे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मर जाए हुए थे तो ये रेड वाले मैंने उतार लिए हैं तो अच्छा ये इतने प्यारे जो है पौधों पर लगते रहे हैं कि काफी अरसे से ये जो है लगे हुए थे लेकिन मैं इनको उतार नहीं रही थी तो अब मुझे जो है चूंके इन पौधों को जो है गमलों से निकालना था तो मैंने सोचा अब इनको उतार ही लेती हूँ ना आज राज मैं आपके साथ अपनी हाफ डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर जी एशियन ग्रोसरी स्टोर पर जो है कुछ चीजें मैं लेने आई थी तो ये मेरे घर के पास ही है ना आप तो इधर से जो है हम लोग लेने आए थे तो ये देखें जी अपने हस्बैंड के साथ ही मैं आई थी तो हम लोग कहीं बाहर निकले हुए थे तो वापसी आप पे आपने सोचा कि चले जो है मैंने कहा कि इधर से जो है कुछ मुझे जो है लेनी है चीजें तो हस्बैंड कहते हैं चले चलते हैं फिर शॉप पे ना तो यहाँ से ज्यादातर जो है वो बच्चे ही मेरे चीजें ले जाते हैं क्योंकि घर के पास है जो मुझे चाहिए हो ना तो हस्बैंड से भी मैं मंगवा लेती हूँ और बच्चों से भी ना तो खुद जो है काम ही आती होती हूँ तो खैर आज निकली हुई थी बाहर तो मैंने कहा चलें जी अब जो है खुद भी चले चलते हैं इस शॉप पर तो ये देखें अच्छा इन शॉपों पर आके बड़ा ही जो है अच्छा लगता है एशियन स्टोर्स पर और ऐसा लगता है अपने मुल्क की किसी दुकान पर होना तो ये देखें जी अच्छा ये हमारी गाड़ी है अच्छा गाड़ी में ही लो हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि हम लोग कहीं निकले हुए थे तो फिर जो है वापसी पर हम जो है इधर ही आ गए तो अगर घर से आए तो फिर तो हम लोग ऐसे ही आ जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही पास जो है ये शॉप है अच्छा ये जो है दुकान वालों ने ना मिर्ची लगाई हुई थी और इतने कोई प्यारे पौधे लाग रहे थे बहुत प्यारे लाग रहे थे तो मैंने कहा चलिए वीडियो बना लेती हूँ मिर्ची भी इतनी प्यारी लगी हुई थी माशाला से अच्छा जी ये मिनी शॉपिंग है जो हमने की थी अच्छा लेने गए थे लेकिन धनिया जो है वो उधर था नहीं ना तो फिर जो है जाहिर सी बात है गए हूं, तो फिर जो है बंदा कहता है चलें ये भी ले लेते हैं ये भी ले लेते हैं तो थोड़ी बहुत जो है ग्रोसरी की थी हमने अच्छा ये आलू में लेके आई थी आलू घर में थे तो थे लेकिन ये है कि ये ना शॉप वालों ने खुद ही उगाए हुए थे तो उन्होंने ये रखे हुए थे ना अपनी शॉप पर तो मैंने कहा चले जी थोड़े से लेके जाते हैं बेबी पोटैटोज थे ना तो मैंने कहा चले चेक करते हैं जाके अगर अच्छे निकले तो फिर जो है बच्चों में से मंगवा लूंगी ना आज भी वर्ष जो है मेरी फ्रेंड आ रही थी मेरे घर मैंने ही उसे बुलाया था तो मैंने कहा चले जी उसके लिए बनाते हैं मजेदार सा खाना और बड़ी ही ये अच्छी मेरी फ्रेंड है और बड़ी पुरानी मेरी फ्रेंड है पुरानी से जो है ये है काफी सालों से हमारी दोस्ती है तो मैंने घर में गपे भी लगाएंगे और साथ में जो है खाना करेंगे इंजॉय खाना खाएंगे तो खाना जो है वो बहाना ही होता है मेन यही होता मिल है इंसान बैठता है और जो है गप्पे शपे लगाता है अच्छा मुखलस जो रिश्ता होता है ना उसे हमें बड़ी ही केयर से रखना पड़ता है बड़ा ही संभाल के हमें रखना चाहिए चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई भी रिश्ता हो ना तो मुखलसी बड़ी ही ज़रूरी है रिश्ते में और अगर रिश्ते में मुखलसी हो ना तो मैं समझती हूँ कि वो रिश्ता बहुत ही देर तक चलता है ना लेकिन अगर सिंसियरटी ना हो मुखलसी ना हो तो फिर मैं समझती हूँ कि वो रिश्ता जो है ना कोई भी रिश्ता वो देर तक नहीं चल सकता ना तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए हमें एक दूसरे के साथ ना मुखलस रहना चाहिए और ये मेरी दोस्त बहुत ही ज्यादा मुखलस है बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत पुरानी मेरी दोस्त है हम लोगों ने खूब जी गप्पे शपे लगाई हमेशा की तरह बहुत मजा आया बहुत इंजॉय किया बच्चों ने भी हमने तो यहाँ पर जी खाना मैं बना रही थी सबसे पहले जी मैंने खीर छिड़ाई थी चूल्हे पर क्योंकि मुझे ये था खीर बनती रहेगी और साथ साथ मैं छोटे मोटे काम भी कर लूंगी जैसा कि सैलड वगैरह मैंने बना लिया था दही का रायता बना लिया था मैंने अच्छा चावलों को मैंने धो के पहले भुकोया था ग्राइंड कर लिया था ना तो तीन किलो दूध में मैं खीर बना रही थी तो तीन किलो दूध था तो जब ये एक किलो दूध रह जाएगा ना तो फिर समझो मेरी खीर तैयार होगी ना दो किलो जो है वो दूध मुझे जो है ड्राई करना है ना जब इस तरीके से मैं खीर बनाती हूँ तो फिर ये है कि खीर में जो है वो पानी और चावल और दूध लैदा लैदा नहीं होते ना तो पानी तो मैंने ऐड ही नहीं किया लेकिन ये कि जब जो है आप जल्दी जल्दी बना लेते हैं ना बस दूध वगैरह खुश्क नहीं करते तो फिर ये है कि थोड़ी देर बाद खीर जो है उसमें से पानी जो है वो लैदा लैदा नजर आना शुरू हो जाता है और जब आप इस तरीके से खीर तो जो जो है खीर तैयार हो गई थी जी काम भी छोटे मोटे साथ साथ हो गए थे तो ज़ाफ़रान मैंने डाला था तो ये देखें खीर का तो कलर तो अच्छा हो गया आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी को कैरमलाइज कर लें तो वो भी ऐड कर लेंगे तो भी बड़ा अच्छा खीर का कलर आ जाएगा खीर को मैंने बॉल में डाल दिया था और ना प्लास्टिक शीट से कवर किया था ताकि इस पर तय वगैरह ना जमे ना और बाद में फिर मैंने इसको डेकोरेट किया था कुछ खीर जो है वो मैंने प्लेट में डाली थी क्योंकि मुझे देनी थी तलहा बेटे को तो यहाँ पर जो है बिरयानी के लिए मैं मसाला बना रही हूँ बाकी बर्तन डिश वॉशर में रख दिए थे इसको मैंने हाथ से ही धो दिया था ना कड़ाई जो है फ्रिज से मैंने लिए थे टमाटर और ये टमाटरों वाली टोकरी थी तो बास्केट जो मैंने फ्रिज में रखी होती है तो खैर जी इसको मैंने जो है निकाला था टमाटर इसमें से मैंने निकाल दिए तो मुझे ये था कि साथ इसको भी धो देती हूँ ना तो जो है इसको भी मैं डिश वाशर में रख दूंगी ना अच्छा मुझे होता है कि अगर कोई जार वगैरह खाली है तो उसको मैं साथ ही धो दूँ अगर इस तरह कोई बास्केट वगैरह खाली है तो साथ ही उसको वाश कर दू ना इस तरह मैं गट्ठे नहीं करती ना यानी कि एक दिन में जो है आप सारी कुछ जो है चीजें वगैरह वॉश कर लेना जैसे जार वगैरह या बास्केट्स वगैरह या कोई भी चीज़ें ना तो मैं साथ साथ ही कर देती होती तो यहाँ पर बिरयानी मैं बना रही थी यहाँ पर जी मैं आलू के कटलेट बना रही थी कटलेट कह लें चिकन के कबाब कह लें टिक्किया कह लें जो भी ना तो ये मैं बना रही थी इन दोनों चीजों को मैंने बॉयल कर लिया कुछ मसाला जार डाले और धनिया जी हमें मिला नहीं था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था तो ये देखें जी यहाँ पर जो है कोरमा तैयार हो चुका है बिरयानी के लिए सारी रेसिपीज शेयर नहीं कर रही क्योंकि जो है रेसिपीज पहले मैं अपने चैनल पर कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ तो खैर जिस तरीके से मैंने कोरमा बनाया वो जल्दी से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मैंने पहले चिकन को ना मैरिनेट कर लिया था दही में अदरक लहसन के पेस्ट में और कुछ मसाला जात में ना और लेमन जूस भी मैंने ऐड कर लिया बिरयानी मसाला भी ऐड कर लिया था तो जो है सारी चीजों को मिक्स करके ना तो चिकन को मैरीनेट मैंने कर लिया था यहाँ पर जी ताहा बेटे आए थे तो कह रहे थे कि स्नैक्स दे दें तो ये हैं तो इनको मैंने जैम लगा के दिया था अच्छा बच्चों को भी जो है साथ साथ माशाला से देखना पड़ता है जाहिर सी बात है साथ साथ खाना भी मैं बना रही थी साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी तो जो कुछ उनको चाहिए होता है वो भी साथ साथ दे रही थी तो यहाँ पर कबाब मैं कर रही हूँ फ्राई फ्रेंड जी आने वाली थी मेरी तो जो है मैंने कहा जल्दी से ये भी फ्राई कर लूँ तो गरम गरम जो है वो खाते हुए मज़ा आएगा तो ये देखें जी यहाँ पर जो है कबाब भी हो चुके हैं रेडी अच्छा खाने में मैंने बिरयानी बना ली थी कबाब बना लिए थे और मीठे में खीर बना ली थी और सैलड वगैरह था और रायता था ना और सालन और रोटी मैंने नहीं बनाया था क्योंकि उसके बच्चे जो है वो नहीं खाते इतने शौक से बिरयानी ही खाते हैं तो फिर मैंने बिरयानी ही बना ली थी वो खुद भी जो है बिरयानी ही ज्यादा शौक से खाती है क्योंकि बच्चे भी बचपन से ही आ रहे हैं और वो खुद भी काफी अरसे से मेरे घर आ रही है मैं भी उसके घर जाती होती हूँ तो हमें एक दूसरे के टेस्ट का पता है एक दूसरे का पता है कि क्या हम लोग जो है शौक से खाते हैं ना हर है एक दिन पहले मैंने पिज्जे बनाए थे तो डो जो है वो एक्स्ट्रा थी तो वो मैंने रख दी थी फ्रिज में तो वो डो भी मैंने निकाली तो एक पिज्जा भी मैंने बना लिया था इसमें दोनों तो वगैरह मैंने डाली थी फिश वगैरह और कुछ वेजिटेबल्स डाली थी चीज वगैरह डाली थी और बड़ा मजे का ये पिज्जा भी तैयार हो गया था ना अच्छा ये जो मैट आप देख रहे हैं टेबल पर ये क्रोशिया तो ये मेरी उसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था जो कि मेरे घर आ रही है ना उसकी अम्मी ने ये बनाया था तो बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छी लगती है क्रोशिया की चीज़ें ना तो खैर जो है यहाँ पर जो है मैं फूड रख रही थी प्रॉपर जब जो है मैंने सारी चीजें रखी तब तो मैं वीडियो नहीं बना सकी जाहिर सी बात है फ्रेंड मेरी आ गई थी और हम लोग गप्पों में मसरूफ़ हो गए मेरे बैठ के जो है खाना खाया बहुत इंजॉय किया माशा से बहुत मजा आया था तो हमेशा की तरह तो जो है बस इतनी ही मैंने वीडियो बनाई थी और मीठा भी साथ ही मैंने टेबल पर रख दिया था तो बस इकट्ठी ही सारी चीजें रख दी थी ताकि बाद में जो है उठना ना पड़े तो जो है बैठ के आराम से मज़े से गप्पे लगाए बच्चों ने भी खूब इंजॉय कर लिया तो चले वीबर अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ